हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीईटी ग्रुप डी एग्ज़ाम से जुड़ी न्यूज़ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी का जो सीईटी एग्ज़ाम लेना है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी, नॉर्मलाइजेशन जो फार्मूला लगेगा वो सार्वजनिक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सभी को बता दिया कि इस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट निकालेंगे। आगामी 21 और 22 अक्टूबर को होना है सीईटी ग्रुप डी का पेपर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी के लिए जो सीईटी का नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है वो सार्वजनिक कर दिया है। सार्वजनिक जो नोटिस में दिखा दिया गया है कि ग्रुप डी पदों के लिए जो 21 और 22 अक्टूबर को दो दो शिफ्टों में जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसको ओएमआर आधारित, ये आपका टेस्ट है, इसमें अंकों के नॉर्मलाइजेशन के लिए जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर वहीं रहेगा जो एनटीए ने अडॉप्ट किया है। इस फार्मूले की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी है। आयोग ने कहा है कि चूंकि यह टेस्ट कई शिफ्टों में होगा, हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर होगा, तो पेपरों में समानता रखने के सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। फिर भी कठिनाई इस तरह एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ उम्मीदवारों को दूसरे सेट की तुलना अपने प्रश्नों का सेट टफ लग सकता है। जिस उम्मीदवार ने टफ सवाल किए हैं उसे कम अंक आसान के मुकाबले मिल सकते हैं। शिफ्टों के उम्मीदवारों के स्कोर की ही तुलना नहीं हो सकती, इसलिए अंकों की नॉर्मलाइजेशन जरूरी है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन दिल्ली के जो सीनियर प्रोफेसर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सीनियर प्रोफेसरों के साथ लंबी चर्चा के बाद इस तरीके पर पहुंचे हैं कि ऐसे रिजल्ट आपका तैयार किया जाएगा। रिजल्ट तैयार होने में फिलहाल लगेगा समय। यदि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 21 और 22 अक्टूबर को चित प्रतिशिक्षित ग्रुप डी का सीईटी ले रहा है तो मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि अगले ही दिन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन ये एक महज वास्तविकता थी क्योंकि रिजल्ट घोषित होने में दोस्तों बहुत टाइम लगेगा। ग्रुप डी का सीईटी परिणाम घोषित होने में जो समय लगेगा, क्योंकि सीईटी का जो रिजल्ट है वो मेंस होने में भी, सीईटी मेंस के बाद तो जो सीईटी का रिजल्ट हुआ था, जो सीईटी हुआ था दोस्तों मेंस का, तो उसका ही रिजल्ट लेट आता, तो ग्रुप डी का रिजल्ट जल्दी कैसे आ सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों से काफ़ी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक क्लेम भी किए हैं, जिनकी वेरीफिकेशन करना भी आयोग के लिए एक चुनौती रहेगा। एक कठिन कार्य ये रहेगा वेरीफिकेशन करना है, अंकों देने से पहले यानी कि जब रिजल्ट आएगा उससे पहले आपकी वेरीफिकेशन होगी और अंक साथ में जो नाप के उसमें जुड़कर आएंगे, तो इसलिए रिजल्ट आने में देरी होगी। ये दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक जुड़ेंगे और जो ये फार्मूला है, ये दोस्तों एक ऐसा फार्मूला है, बहुत सारी कठिनाइयाँ इसमें रहेंगी। अगर किसी बच्चे के पास एक्स्ट्रा अंक यानी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक या एक्सपीरियंस वगैरह के अंक नहीं आता है, उसका सिलेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होगा, क्योंकि दोस्तों जिसके पास एक्स्ट्रा अंक हैं, जो नंबर हैं, उनका थोड़ा सा इजी उनके लिए रहेगा, क्योंकि फार्मूला इस तरीके से सेट किया गया है ताकि इससे जो नॉर्मलाइजेशन वाले जो अलग हैं, जिनको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर मिल रहे हैं, यानी जिनके घर में जॉब वगैरह नहीं है, उनको सीधा सा इसमें जो ना बेनिफिट एक तरीके से मिल सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, सही समय पर सही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।